बिहार में 5 दलों के महागठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का समझौता हो गया है। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि शुक्रवार को आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। ये बात पहले ही आ चुकी है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना में शुक्रवार यानी कि 29 मार्च को सीट बंटवारे की घोषणा करेंगे। अखिलेश ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा, लेफ्ट को 5 सीट मिल रहा है जबकि कांग्रेस जितनी सीट 2019 में लड़ी थी उतनी ही लड़ेगी। आपको बता दें 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और एक सीट किशनगंज जीती थी। अखिलेश सिंह के संकेतों से समझे तो सीपीआई माले सीपीआई और सीपीएम को 5 सीट और कांग्रेस को 9 सीट के बाद बची हुई 26 सीटें लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी लड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में आते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने कोटे से एक एक सीट कुल 2 सीट वीआईपी को दे सकती है। पूर्णिया सीट पर कांग्रेस से पप्पू यादव लड़ेंगे या आरजेडी से बीमा भारती, इस बारे में पूछने पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि जब सीट बंटवारे का ऐलान होगा उसमें सीट और वहां लड़ रही पार्टी की घोषणा भी होगी। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन बिहार में बीजेपी और एनडीए के दूसरे दलों को हरा देगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद में 28 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन था। तो वही आरजेडी ने बिना सीट बंटवारे के ही पहले चरण की सारी सीटों के अलावा कुछ दूसरी सीटों पर भी अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।